लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। केस की फाइल मुकम्मल कर ली आपने? मुकम्मल तहकीकात हो नहीं पाई थी, कुछ दिन और। बैठे जनाब, सिट डाउन। हाँ, ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है बल्कि चाय की दावत है। हाँ तो मिस्टर तनेजा, ये निर्मला रेप केस के मुजरिमों को पहचानने के बावजूद भी आपने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। क्या बताऊं सर, मुजरिमों के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला और बिना सबूत के कानून कर ही क्या सकता है। वैसे मिस्टर तनेजा, हमारी जात ही कुछ ऐसी है। मैंने ही खुद बात निकाली और मैंने ही अभी कहा कि ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं है। सर, वैसे आपने भी जवाब दिया बिल्कुल ऑफिशियल, इसलिए कि गले में फंदा डाल के लटक जाने वाली निर्मला आपकी अपनी कोई नहीं थी। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर वो आपकी अपनी बेटी होती, आपकी बहन होती, बहू होती या फिर आपकी बीवी होती, तो भी आप क्या यही जवाब देते? अब आपका फोन। एक्सक्यूज मी, हेलो, मैं तुम्हारी पत्नी बोल रही हूँ। हाँ शकुन बोलो, कहाँ से बोल रही हो तुम? अब तक मेले पहुंचे नहीं? हाँ, अरे अनु तो ठीक है ना? अरे अरे, मैंने कंप्लेन करने को थोड़ी फोन किया है, आप तो यूं ही। वो क्या था, अनु को आपसे बात करनी थी ना, इसलिए मैंने आपको फोन किया। ठीक तो हो ना? क्यों बोल रही है मम्मी, उन्हीं को आपसे बात करनी थी। अच्छा भाई, मम्मी को टेलीफोन दो। तो करो बात। शकुन मुझे एक बात याद आ गई, मेरे से लौटते घर के लिए कुछ फ्रूट्स और बिस्किट्स वगैरह ले आना। ओके, मैं रखता हूँ टेलीफोन, मुझे देर हो रही है। बाय करने से पहले क्या बोलना चाहिए? बोलो ना। प्लीज बोलो ना, आई लव यू। बोलो ना, प्लीज आई लव यू। बोलो ना आई लव यू प्लीज। शकुन समझा करो, अन्नू बड़ा हो गया है। फोन रखता हूं मैं, बाय। मुझसे ज्यादा फ्रूट और बिस्किट की फिक्र है, जैसे हम बूढ़े हो गए, मूड ही खराब कर दिया उन्होंने। बाय करने से पहले क्या बोलना चाहिए? बोलो ना, प्लीज बोलो ना, आई लव यू। कैसा लगता हूँ मैं? बिल्कुल अपने पापा की तरह। हाँ
ये लोग मूड बनाना नहीं जानते। लगता है फिर मूड बिगाड़ना जानते। जानते तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं, वो नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। मैं एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन चीज से बात करना चाहता हूं, प्राइवेट में, सिर्फ मूड ठीक करने के लिए। तुम्हारी उम्र क्या होगी? उम्र के बारे में मेरा ख्याल कुछ और है मैडम, और वो ये कि एक खास उम्र के बाद मर्द सिर्फ मर्द रहता है और औरत वाओ सिर्फ औरत रहती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए मिस्टर तनेजा, जरा सोचिए,
गुंडों ने एक मासूम और मजबूर लड़की को घेर लिया है। वो तड़प रही है, छटपटा रही है, मदद के लिए चिल्ला रही है, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। गुंडों ने उसे बेहाल कर दिया है, उसे कपड़े नौश डाले हैं, उसे यहां से वहां, वहां से वहां दौड़ा रहे हैं। उस वक्त की बात कर रहा हूं मिस्टर तनेजा, जब आपका खून लावे की तरह खौल रहा होता, जब आपके माथे की नसें चटक कर टूटने को तैयार होती, जब आपकी आंखें फट रही होती, क्योंकि ठीक आपके सामने कुचली मसली उस लड़की का बेहाल जिस्म पड़ा होता, उस वक्त आप क्या करते? पापा! मम्मी यही थी पापा। ये मम्मी ने आपके लिए मेले से लिया था।
पापा, हमने मम्मी से पूछा था आप किसको ज्यादा प्यार करती हैं, हमको या पापा को, तो बोली आपको, अपने अनु बेटे को। कितना झूठ बोलती थी ना मम्मी। I love you. बोलो ना, please, I love you. बोलो ना, I love you. Come to me, come to me.
सॉरी सर, कमबख्तों ने किसी तरह का सुराग भी तो नहीं छोड़ा है जिसके सहारे हम उन तक पहुंच पाते। ये लो राम, शकुन बेटी का अंतिम शेष, इसे जल में विसर्जित करना होगा ताकि मरने वाली की आत्मा को शांति मिल सके। इसे जल में विसर्जित कर देने से वाकई शकुन की आत्मा को शांति मिल जाएगी। यस मिस्टर खान। शहर का चप्पा चप्पा हमने छान मारा है सर, लेकिन मुजरिमों का कोई पता नहीं चला। यकीनन वो इस शहर में होते तो हम कब का उन्हें गिरफ्तार कर चुके होते। कमबख्तों ने किसी तरह का सुराग भी तो नहीं छोड़ा है जिसके सहारे हम तक पहुंच पाते। कमबख्तों ने किसी तरह का सुराग भी तो नहीं छोड़ा है जिसके सहारे हम तक पहुंच पाते। Some drink? Black level with soda. Right, sir. Excuse me, sir. Your drink. आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ये खेल पेशेंस कहलाता है, यानी सबर। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मैं भूल ही गया था कि जो खेल मैं खेलने जा रहा हूं उसमें सबर की बहुत जरूरत है। आप एक शरीफ घराने की लड़की दिखती हैं। मैं बेघर और गरीब लड़की हूं, और जहां तक शराफत का सवाल है, सिगरेट? जी नहीं, शुक्रिया। मे आई हैव अ लाइट प्लीज?
थैंक यू शरीफ, लड़कियां होटल में गाना नहीं गाती। मैं होटल सुपरस्टार में काम करती हूँ, भवानी जंक्शन में। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं ये तो नहीं जानती कि आप कौन हैं, मगर जिस शख्स की घोड़े की जीन आपके साथ है उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मॉर्निंग। मुझे इंसाफ चाहिए दीवान साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन राजा साहब अभी पूजा पर बैठे हैं, बस आते ही होंगे। आप तशरीफ रखिए। प्लीज सिट डाउन। आई एम सॉरी मिस्टर जैक्सन, आपको बहुत नो प्रॉब्लम, ग्लैड टू मीट यू। प्लीज सिट, थैंक यू। हैव जी, आप क्या सोचता है, राजा साहब हमारा स्कीम पसंद करेगा? आई एम रेडी टू इन्वेस्ट $10 million। हम आपके यहाँ बहुत बड़ा शानदार होटल कॉम्प्लेक्स डालेंगे, टूरिस्ट लोग आएंगे, आप भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे परमिशन दिलाना और बाकी खर्च हम करेगा। 10 millions, 15 millions। मिस्टर जैक्सन, आप बार बार 10 millions की बात मत कीजिए। लाखों करोड़ रुपया तो राजा साहब हर साल दान पुण्य में दे देते। चैरिटी, डू यू अंडरस्टैंड चैरिटी? यस, हम जानता, आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, आप जब तक चाय पीजिए मैं अभी आता हूँ। रेकी की तरफ से कोई और खबर आई? जी नहीं, अभी तक वही है जो पहले थी, और घोड़ों का भी कुछ पता नहीं चला। पता चलना चाहिए, चलना चाहिए। जी राजा साहब, बाहर बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर जैक्सन भी स्विट्जरलैंड से आए हुए। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। किसी भी हालत में वो घोड़े और इनके चोट मिलने ही चाहिए। मैं समझता हूँ राजा साहब, रिक्की बाबा को लौटने में शायद इसलिए देर हो रही है कि वो चोरों को गिरफ्तार किए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। सिर्फ चोर ही नहीं दीवान चंद, वो घोड़े भी मिलने चाहिए। घोड़े राजा साहब? हाँ दीवान चंद, हाँ, क्योंकि उन घोड़ों में से एक घोड़ा खास मेरा है, जिसकी जीन पर मेरा नाम खुदा हुआ है, और राजा भवानी प्रताप के नाम का कोई भी कुछ भी फायदा उठा सकता है, इसलिए दीवान चंद वो किसी भी कीमत पर मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो जीन मेरा पर्सनल जीन है। ये शिप भवानी जंक्शन पर वापस कब लौटेगा? 6 port और टच करने के बाद कल शाम को 8 बजे यहां से वापस जाएगी। आई सी। कल शाम की 3 टिकट आप मेरे लिए बुक कर दीजिएगा। 3? जी हाँ। ओके, मेरे साथ 2 लोग और भी होंगे। मैडम, आप होटल जाएंगी या अपने घर? मैं घर जाऊंगी। राजा साहब इस वक्त कहाँ होंगे? वो मंदिर गए हुए। थैंक यू। सुनो। जी सुनो, तुम भवानी राजा के यहाँ काम करते हो ना? जी, लेकिन आप जाकर उनसे कहो कि शोपालगंज से राम आए। राम, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शोपालगंज से? आपके घोड़े की जीन भी उनके पास है। राम राम। अरे भाई, ये है मेरा गरीब खाना। भाई अपना ही घर समझो, आ जाओ जाओ, क्या बैठो। स्कॉटलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, हर देश की शराब यहाँ मौजूद है, क्या पियोगे? मगर आप तो शराब नहीं पीते थे भवानी राजा। तो तुम्हें याद है, लेकिन शायद तुम्हें भूल गए कि उस वक्त मैं पिलाता तो था। कुछ भी नहीं भूला हूँ भवानी राजा, ये भी नहीं भूला हूँ कि आपने एक बार मेरी जान बचाई थी 6-6 डाकुओं से। आपके रिवॉल्वर में सिर्फ 6 ही गोलियां थी। अगर आपका निशाना एक बार भी चूक गया होता। निशाना तो ना मेरा कभी चुका था और ना कभी चुकेगा। ये लो। चेयर्स। चेयर्स, चेयर्स। अरे राम मेरे भाई, तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। जब से जीन चोरी हुई ना, परेशान हो गया। मगर ये जीन चोरी कैसे हुई भवानी राजा? ये हमारे साहबजादे रिकी, राकेश, बड़े बाप के बड़े बेटे, तो बस जोश जवानी है, लापरवाही है, लेकिन उस बेचारे का कोई बिना माँ के बच्चे अधूरे रह जाते। बस 9 साल पहले इतने का था रिकी जब उसकी माँ से छोड़ के चले। आप
भी अब इस दुनिया में? बस जब से वो गई है मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो गया। लेकिन देखो फिर भी जी रहा हूँ, जीना इसी का नाम है। कुछ भी बदल जाए दुनिया नहीं बदलती, चलती रहती है। और अब तो मैं जी रहा हूँ सिर्फ अपने बेटे पाजी बेटे के लिए। बस ये सारा कारोबार भवानी जंक्शन उसी का तो है। और फिर यहाँ के लोग जो मुझे इतना चाहते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, उनके लिए जो कुछ भी करूं कम है। आप बता रहे थे कि जीन चोरी कैसे हुई? हाँ, वो एक दिन मेरा बेटा किसी दोस्त को लेकर शिकार पर चला गया और मुझसे पूछे बिना मेरा घोड़ा ले गया। और वहां से कहलवा भेजा कि साहब ये लोग जैसे बियर पी रहे थे किसी बार में, बाहर से मेरा घोड़ा चोरी हो गया। और हमने भी कहलवा भेजा, जब तक घोड़ा नहीं मिलता वापस मत आना, भवानी जंक्शन में कदम मत रखना। अरे भाई, राजा भवानी प्रताप का घोड़ा है और जिन पर हमारा नाम भी तो लिखा हुआ है। ये देखो, किसी गलत शख्स के हाथ पड़ गया तो भाई वो इधाका डाल सकता है, बैंक लूट सकता है, खून कर सकता है उसके सहारे। खून तो वो कर चुके हैं भवानी राजा। क्या? वो दो लोग थे भवानी राजा जिन्होंने आपके घोड़े चुराए और फिर मेरी बीवी की इज्जत लूट कर उसकी हत्या कर दी। तुम्हारी बीवी शकुन? ओह माय गॉड, ये कब की बात है? पिछली 10 तारीख को। घोड़े उसी दिन चोरी हुए थे? ओह नो, मैं उन्हीं बदमाशों की तलाश में आया हूं भवानी राजा, शायद वो भाग कर यहां आ गए। मुमकिन है, पहले भी ऐसा हो चुका है कि तुम्हारे इलाके में मुजरिम जुर्म करके यहां बना लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वहां का कानून, वहां की सजा लागू नहीं है। मैं इसीलिए आया हूं कि उन बदमाशों को पकड़ के वहां ले जा सकूं, ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। और भवानी राजा, मैंने कसम खाई है कि जब तक उन बदमाशों को मैं पकड़ नहीं लेता, तब तक मैं इसे पानी में नहीं बहाऊंगा, भले ही शकुन की आत्मा भटकती रहे। राम, मेरे सारे लोग, जीप, बंदूक, घोड़े, मेरी पुलिस, सब तुम्हारे साथ है। हमारी जंक्शन का हर शख्स, हर बाशिंदा तुम्हारी मदद करेगा। तुम निकालेंगे हम उन लोगों को। लेकिन एक बात बताओ, तुम पहचानोगे कैसे उन लोगों को? दोनों को तो नहीं पहचान सकूंगा भवानी राजा, मगर एक को जरूर पहचान लूंगा। मेरी बीवी ने एक के दाएं गाल पे चाबुक से बहुत बड़ा निशान बना दिया था, अनु से पता चला, जो उस वक्त शकुन के साथ था। अनु? जी भवानी राजा, मेरा भी एक 8 साल का बेटा है। सुनो, दीवान चंद को भेजो मेरे पास। परवान है राजा भवानी प्रताप का, हर वो आदमी जिसके चेहरे पे किसी प्रकार का कोई भी निशान हो, शाम 5 बजे थाने में हाजिर हो जाए। याद है, ये राजा भवानी प्रताप का हुक्म है। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर सुपरिटेंडेंट, बहुत दुख हुआ आपकी बात सुनकर। ये चाबी। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ, ये गिरफ्तारी के वारंट है, सिर्फ इसमें मुजरिमों का नाम लिखना बाकी। आप चिंता न कीजिए, आप भवानी जंक्शन आए हैं और यहाँ पर कोई भी मुजरिम हमारी नजरों से बच नहीं सकता। हमारी और पूरे भवानी जंक्शन के लोगों की पूरी हमदर्दी आपके साथ है। आप पहले मुजरिमों को पहचान लीजिए, उसके बाद उनके नाम भी दर्ज कर दिए जाएंगे। पॉल? यस चीफ। उन लोगों को बुलाओ। ओके चीफ। Any luck, Mr. Superintendent? Not so far. लेकिन मेरे पास कल शाम तक का वक्त है। Oh yes, yes, I forgot. हम भूल गया। लेकिन हम ये नहीं भूला कि जोसेफ आपको एक गुड डबल ड्रिंक देगा। ये लो सर। I wish you good luck, Mr. Superintendent. अब तक कोई नतीजा नहीं निकला राजा साहब। निकलेगा, निकलेगा। राम कभी नहीं हार सकता। जी। रेशमा को उसके होटल पहुंचा दिया था? जी नहीं, उनके घर। घर? लेकिन आज तो होटल में उसका फ्लोर शो होगा। जी हाँ, मगर मैडम अपने घर जाना चाहती थी। उसको भी जिद में मजा आता। कोई बात, शो के वक्त जरूर आऊंगा, मैं जानता हूं।
रिकी बाबा, राजा भवानी प्रताप का इकलौता बेटा। राजा साहब, रिकी बाबा आ गए। रिकी, हाँ, अजमेर साना।
देखो जी बाबा। Hey, कुंदन, how's your trip? Okay, वो जिन भी वापस मिल गए। राम राम मेरा दोस्त बोले उसे शिवपालगंज में सुपरिंटेंडेंट पुलिस है। जी हाँ बाबा, वो मुझे भाई साहब ने बताया था। हाँ लेकिन बहुत बुरा हुआ, चोरों ने राम की बीवी का खून कर दिया। राम इसलिए यहाँ आया हुआ है, एक चोर के गाल पर। ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ? अबे ये वो हम लोग जंगल से गुजर रहे थे कि एक नोकेली टैनी से गाल काटी। रेकी का, तुम्हारा नहीं। जी देखूं। टैनी से कट गया था। जी जी बाबा। या चाबुक से? नहीं बाबा। कब की बात? जी 12 या 13। 12 या 13? जी 13। ठीक से याद करो, 10 तो नहीं। जी नहीं पापा, 13। हाँ 10 को तो घोड़े चोरी हुए थे। क्यों? जी पापा। कैसे? जी वो हम बियर पी रहे थे होटल सनसेट शिवपालगंज में, बाहर निकलकर देखा कि झूठ बोल रहे हो। राजा भवानी प्रताप से अपने पिता से झूठ बोल रहे हो। अब ये बिल्कुल सच है पापा। ये सच नहीं है क्योंकि शिवपालगंज के सारे पब मंगल को बंद रहते हैं, होटल सनसेट भी, और 10 तारीख मंगलवार था। राम ये है तुम्हारे मुजरिम, ये तुम्हारी बीवी की कातिल दो है, रिकी और कुंदन। डाल दो हथकड़ी इनके हाथों में और ले जाओ अपने साथ। अब वो ये राम है इसलिए तुम्हें गिरफ्तार कर रहा है, मैं होता तो गोली मार देता। राम बेअदबी, माफ कीजिएगा राजा साहब, और इस तरह से शक की बिना पर कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। जनाब राजा साहब, गिरफ्तारी शक की बिना पे ही होती है, बाकी जुर्म साबित करने के लिए कोर्ट है, कानून है। कोर्ट और कानून की दुहाई मुझे मत दीजिए मिस्टर सुपरिंटेंडेंट, क्योंकि मैं खुद आपके हाई कोर्ट में 25 साल तक वकालत कर चुका हूं, और अगर चाहूं तो यहां तक साबित कर सकता हूं कि आपकी कोई बीवी थी ही। देवान चंद, राम का बेटा मुजरिम को पहचानता है? 8 साल का बच्चा शक्लें पहचानने में गलती भी तो कर सकता है राजा साहब, जैसे ये दोनों तारीख के मामले में गलती कर रहे हैं। मुमकिन है कि दोनों घबराहट में गलत तारीख भूल गए, हो सकता है वो वारदात की तारीख 10 न रही हो, 9 रही हो, 8 रही हो, और फिर मिस्टर राम एक अजीब सी पहचान लेकर मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए चले आ रहे हैं कि मुजरिम के चेहरे पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं। अब तक भवानी जंक्शन में ढूंढने से उन्हें 8 लोग तो मिल चुके, और आगे ढूंढने से उन्हें 800 लोग भी मिल सकते, सारा मुल्क ढूंढने से उन्हें 8 करोड़ 8 अरब लोग मिल सकते। तो क्या मिस्टर राम उन सबको पकड़कर फांसी की तख्त पर लटका देंगे? और फिर ये ना भूलिए मिस्टर राम कि यहां बात राजा भवानी प्रताप के इकलौते बेटे के बारे में हो रही है। हम लोग यहां मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो क्या कुछ और लोगों को मौत के घाट उतार देने से मिस्टर राम आपकी पत्नी आपको वापस मिल जाएगी? गलत बात मत करो दीवान चंद, इंसाफ के तराजू में राजा और रंग दोनों बराबर होते हैं। गुस्ताखी माफ हो राजा साहब, बराबरी तो भगवान के दरबार में भी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो कोई लंबा और कोई छोटा, कोई गोरा और कोई काला, कोई मजबूत और कोई कमजोर इस दुनिया में पैदा ना होता। जनाब राय साहब, आप वाकई बहुत अच्छे वकील हैं। अगर ऐसी बात है मिस्टर राम, तो मैं आपको एक मुफ्त किराया देना चाहता हूं, जितनी भी जल्दी हो सके भवानी जंक्शन को छोड़कर चले जाइए। यह बात मैं आपके मुंह से नहीं, भवानी राजा के मुंह से सुनना चाहता हूं। दुर्गा की सौगंध खाकर कहो कि सच क्या है।
माँ की चरणों की सगन खाकर कहता हूं, बाबा मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। सुन लिया राम, अब हम तुमसे कहते हैं रात को यहां आराम करो और कल सुबह 7 बजे के स्टीमर से वापस लौट जाओ। सुबह नहीं भवानी राजा, कल शाम को 8 बजे की स्टीमर से। ये 3 टिकट खरीद लिए हैं, यानी कि मेरे साथ रिकी और कुंदन भी जा रहे हैं। आप में से अगर कोई बचा सके तो कोशिश करके देख लीजिएगा। तुम सुबह वापस आ रहे हो राम, सुना? कल सुबह 7 बजे। दिव्यांजन देखो रिकी, तुम अपने कमरे में रह रहे, जब तक मैं न कहूं तब तक बाहर नहीं निकलना। जी कालू बराबर तुम्हारे दरवाजे के सामने रहेगा, समझे? गौतम फौरन भागो और हम पर नजर रखो, समझे? गोविंदा तुम कुंदन को हिफाजत से इसके घर पहुंचा दो, और देखो तुम जरा होशियारी से रहना, उस एसपी का हौसला बहुत बुलंद है। हौसले की कमी मुझ में भी नहीं है राय साहब। कहकर की कमी है तुम्हें, जो कुछ तुम्हें कहा जाता है भाई क्या करो, जाओ। यस मिस्टर सुपरिंटेंडेंट। ओह हेलो, ये मैंने इसमें मुजरिमों के नाम लिख दिए हैं, आप उन्हें गिरफ्तार करके फौरन मेरे साथ भेज दीजिए। आई एम सॉरी, आपके वारंट हमारे यहां लागू नहीं होते। आज से तो आप अपने वारंट जारी कीजिए, और अगर मैं कहूं कि ये जरूरी नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि आप बुजदिल हैं और कानून की नौकरी करने के लायक नहीं है। कानून की नौकरी करने वालों को जज्बाती नहीं होना चाहिए मिस्टर एसपी, उन्हें थोड़ी दूर तक देखना चाहिए। वो होटल सुपरस्टार की ऊंची इमारत तो आपने देखी होगी, वो राजा भवानी प्रताप की है। यहां का बंदरगाह, कपड़े की मिलें, रबड़ के कारखाने, लकड़ी के जंगल और 20 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर जो सोने की खान है, उन सब का मालिक वही है, राजा भवानी प्रताप। यहां तक लोग ये भी कहते हैं कि भवानी जंक्शन की अदालत और उसके जज भी उन्हीं की मिल्कियत है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कानून की नौकरी करने वालों को थोड़ी दूर तक देखना चाहिए। और जहां तक मैं देख रहा हूं मिस्टर सुपरिंटेंडेंट, आज से 6-7 साल बाद किसी को याद नहीं रहेगा कि आपने मुझको बुजदिल कहा, लेकिन वो सब याद रखेंगे कि आपकी जान आपकी बेवकूफी और आपकी जिद की वजह से गई। मैं यही वारंट अमल में ला रहा हूं चीफ, मैं भवानी जंक्शन से मुजरिमों को वापस लेकर ही जाऊंगा। यही बात कहने के लिए मैंने आपको तकलीफ दी और अपना फर्ज पूरा किया। अगर आप थोड़ी दूर तक देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जो कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा चीफ, 6-7 तो क्या, 6-700 साल तक लोग याद रखेंगे कि वो कुत्ते की मौत मारा गया था। Excuse me. Yes, sir. मुझे कमरा चाहिए। Sure, sir. Sorry, no room available. भवानी जंक्शन है साहब, यहाँ भवानी राजा के हुक्म में सिवा पत्ता भी नहीं हिलता। बेहतर यही है आप ये शहर छोड़ के चले जाइए, यहाँ आपको कोई जगह नहीं देगा। अच्छा।
Good evening, Superintendent. What is so good about this evening? I'm sorry. Joseph sab suna. Whiskey? Yeah. Joseph aapko ek free advice dega. Muft ki raay. Ke Bhavani Junction chhodkar chala jaun? Correct. Yahan sab log muft ki raay zarur dete hain. Lekin Joseph muft ki whiskey bhi dega. क्या यहां कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो भवानी राजा से नहीं डरता? हुआ था, लेकिन सब लोग का एड्रेस चेंज हो गया, केयर ऑफ कब्रिस्तान। जोसेफ को कब्रिस्तान जाने में अभी टाइम है, क्योंकि जोसेफ अकेला नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है, बीवी है। मगर मैं बिल्कुल अकेली हूं। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ काम करती हूँ। मेरे लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। इस वक्त मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। थैंक यू। आप मेरा इंतजार कर रही थी? जी हाँ, मुझे अंदाजा था कि आप मायूस होकर यहीं लौटेंगे, शायद रात गुजारने के लिए एक जगह भी न मिले। आप भी कमाल की लड़की है मिस रेशमा। अगर अकेली लड़की के घर रात गुजारने में आपको कोई डर ना लगता हो तो आप सुबह तक मेरे यहाँ रह सकते हैं। यूं तो रात को मुझे काम है, मगर थोड़ा आराम अगर मिल सका तो मैं एहसानमंद रहूंगा। आइए। एक्सक्यूज मी, जो काम मैं करना चाह रहा हूं उसके लिए मुझे घोड़े की जरूरत होगी। आइए मेरे साथ। चीज की एक हद होती है। मैं इस बददिमाग लड़की की अकल को ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। दीवान चंद को बुलाओ। मैं तुमसे बात करने आया हूं। आपकी घड़ी में वक्त क्या है मिस्टर दीवान चंद? 2:30 बजे। क्यों? क्योंकि इतनी रात कई शरीफ लोग किसी के दरवाजे पे नहीं पीटा करते। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूं कि क्या तुमने मिस्टर राम को अपने घर में जगह दी है? जो बात आप जानते हैं उसे पूछने का मतलब? ए लड़की, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने की कोशिश मत करना। राजा साहब जानना चाहते हैं कि तुम्हारी सरकत का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मैं घर आए हुए मेहमान को रात भर सड़कों पर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकती। और इसके अलावा अगर राजा साहब को जाना चाहते हो तो उनसे कहिए कि वो खुद आकर मुझसे पूछें, अपने नौकरों को भेजकर मुझे परेशान न करें। ठीक है ना? हाँ ठीक है।
लगी बाबा? आग बंद कर दो, गर्मी बहुत है। जी अच्छा। तुम भारी हो ना? जी हाँ। अगर मुझे हाथ भी लगाया तो जिंदा नहीं बचोगी। बेवकूफी मत करो। मैं फिर कहती हूँ, अभी वक्त है। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो। अपनी तबाही बुला रहे हो, अपने और अपने खानदान की बर्बादी का इंतजाम कर रहे हो। दौड़ जाओ वरना कुत्ते की मौत मरोगे। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बाबा को चाय दी? जी नहीं सर, वो तो अभी तक सो रहे हैं। यहाँ रात भर नींद नहीं आई और साहबजादे हैं थोड़े बेचकर सो रहे। उजुर उजुर, रिकी बाबा। क्या हुआ रिकी बाबा को? वो रिकी बाबा अपने कमरे में नहीं है। क्या दूर दूर, हर जगह देख लिया, महल में कहीं नहीं है। मैं बराबर दरवाजे पे था, आग भी बंद नहीं की। ना कोई दरवाजे आया ना कोई दरवाजे गया। पक्के हो तुम? ना तो रिकी बाबा हवा में गायब हो सकते हैं, ना ही उड़कर इस कमरे में आ सकता है।
राम चिमनी से उतरकर इस कमरे में आया था। राजा साहब, वो रिक्की बाबा को उठाकर इस चिमनी से बाहर तो नहीं ले जा सकता। फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि वो बाहर किस तरह गया। वो राम है दीवान चंद, राम। तुम उसे नहीं जानते, मैं जानता। Just a minute. आपकी निकलने का वक्त हो रहा है। आप हिंदू हैं? मैं मुसलमान भी हूं, सिख भी हूं, ईसाई भी हूं। आप तैयार हो जाइए। महल में नहीं है। देखो राम, तुम मेरे दोस्त हो, और होता तुम्हारी जगह तो गोलियों से भून देते। मत भूलो मिस्टर राम, अगर हम चाहे तो आप भी भून सकते हैं। ऐसा भूल कर मत कीजिएगा दीवान चंद साहब। अगर मेरा मुंह बंद हो गया तो रिकी का पता कौन बताएगा? वो जहां भी है भूख प्यास से छटपटाता तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा। राम, और उसकी लाश भी आपको नहीं मिलेगी। राम, मेरा बेटा कहां है? आपका बेटा आपके भवानी जंक्शन में ही है, भवानी राजा। और अब आप उसे खुद ढूंढ लीजिए, और अगर ना ढूंढ सके तो रात को 8 बजे का स्टीमर पर आप आकर उससे मिल लीजिएगा। फिलहाल आप मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, मुझे कुंदन को भी तलाश करना है। तुमने मेरे दुश्मन को अपने घर में पना दी है। मैंने आपके दोस्त को पना दी है जो आपसे इंसाफ मांगने आया है। वो मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहता है जो बेकसूर है। ये बात आपसे आपके बेटे ने ही कही होगी। ये बात उसने भवानी माँ के सामने सौगंध खाकर कही है। तो दुनिया की हजारों अदालतों में लाखों लोग हर रोज गीता कुरान पर हाथ रखकर साफ साफ झूठ बोलते रहते हैं। आपका बेटा नहीं बोल सकता। मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ, सिर्फ ये कहने आया कि दोबारा तुमने उस आदमी को अपने घर में पनाह दी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। चला है कुंदन नाम का आदमी इसी मोहल्ले में रहता है। इस नाम का आदमी शर्म कहीं नहीं रहता। आप गलत जगह आ गए साहब। आया तो सही जगह ही, लगता है एक रात में जगह बदल कर गलत हो गई है। रिकी बाबा! भाई साहब, यहाँ कुंदन नाम का कोई आदमी रहता है? मुझे पता नहीं। साहब, यहाँ कुंदन नाम का कोई आदमी रहता है? कुंदन आदमी को हम नहीं जानते साहब।
राजा साहब कुछ समझ में नहीं आता, कहीं उस बदमाश ने अपने रिकी बाबा को कुछ कर तो। गौतम ऐसी बात मुझसे मत निकाल। मुमकिन जगह पर तलाश करने की कोशिश की राजा साहब, लेकिन रिक्की का कुछ पता नहीं चला। तुम लोग अपने शहर में अपने ही आदमी को नहीं ढूंढ सकते, आओ मेरे साथ। तुम्हारा यहाँ छुपना ठीक नहीं है। अरे वो साला सुपरिटेंडेंट महल के पीछे कभी मुझे ढूंढ ही नहीं सकी। और बेड़ो वो अपना रिकी बाबा क्या बकता है मैं। बाबा महल में दुर्गा माँ के मंदिर के पीछे।
अगर आप अपनी सलामती के साथ साथ अपने रिकी साहब की जिंदगी की सलामती भी चाहते हो तो एक एक करके इस कमरे में चले जाओ। चलो हरी अप, चलो तुम भी यू बास्टर्ड। हरी अप, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सुपरिंटेंडेंट, इस तरह और कितनी देर चलाओगे? एक लफ्ज भी और बोला तो भेजा बाहर निकाल कर दूंगा। अंदर जो कहता हूं करो, इस हैवान को अपने कंधे पर उठाकर नहीं चलाओ वरना भेजा उड़ा दूंगा। मैडम, देयर कम्स योर फ्रेंड। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर सुपरिंटेंडेंट, आप वाकई कमाल के आदमी हैं। देखिए, आपके जहाज को जाने में अभी भी 5 घंटे और हैं, तब तक मुजरिम को इस तरह से लेकर घूमने में बहुत खतरा है। आप चाहें तो अंदर उसे लॉकअप में बंद कर सकते हैं। चाबियां भी आप अपने पास ही रखिए। जी हाँ। आप बहुत ही बेवकूफ हैं चीफ, अगर आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। मुझे गोली नहीं मार सकते। क्यों, मैं तुम्हें गोली क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मेरा हाथ बंद हुआ इसलिए, और एक मजबूर और निहत्थे आदमी पर बात नहीं करना चाहिए। हाँ सिद्धांत, वाकई कमीनेपन में तुम्हारा जवाब नहीं, लेकिन मैं सचमुच अभी तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। अभी थोड़ी देर तुम्हें और जिंदा रहना है ताकि तुम देख सको कि मौत से बदतर जिंदगी का हशर क्या होता है। एसपी ने रिकी बाबा को रेशमा जी के घर में कैद करके रखा है वहां पे। रेशमा, रेशमा जी, पिस्तौल की नोक पर मुझे धमका रहा है कि मैं वो जुर्म कबूल कर लूं। और जो मैंने तुमने किया नहीं पापा, ये जो मैंने नहीं किया पापा, ये कमीना आपके खून को गाली दे रहा है पापा। राम, राम,
बोलिए। सुन रहे हो तो समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो राम, अगर रिकी को कुछ भी हुआ तो इसका बाल बाका नहीं होगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। भवानी राजा, मैं इसे जिंदा साथ ले जाने आया हूं, अगर मारना चाहता तो कब का मार देता। तुम बेवकूफी की जिद कर रहे हो राम, तुम जानते हो कि मेरी मर्जी के खिलाफ तुम यहां से नहीं जा सकते। मैं चाहता हूं तुम यहां से सही सलामत जाओ, बशर्ते कि तुम रिकी को सही सलामत मेरे हवाले कर दो। आप मेरा जवाब अच्छी तरह जानते हैं भवानी राजा। ओके, अगर तुम अपनी तबाही खुद बनवाना चाहते हो तो उठाकर देखो सुपरिटेंडेंट, एक दिन जो जाएगा जिस तरह सांप का सर कुचला जाता है। दिन भर मुझे यही बांध के रखोगे या हथकड़ी खोलो? मुझे तुम्हें जो कुछ भी करना है यही करो। मैं वाकई लड़ाई के मुकाबले में शांति अच्छी चीज है। यह मौत से पहले का सन्नाटा है सुपरिटेंडेंट। और एक बात यह भी याद रखो कि तुम यहां से कफन ओढ़े बगैर नहीं जाओगे। चलो कफन ही सही, मगर उसके भीतर भी तुम मेरे साथ जरूर रहोगे। और रजत साहब, आप खाम का परेशान हो रहे हैं, अकेला आदमी। वो अकेला नहीं है दीवान चंद, मेरा बेटा भी उसके साथ है। लेकिन रजत साहब, वो जिंदगी भर कमरे में बंद नहीं रह सकता। चंद नहीं, तुम राम की बात को संजीव किसी नहीं ले रहे हो। मैं राम को जानता हूं। अगर राम ने कहा कि वो 8 बजे के स्टीमर से शिवपालगंज जा रहा है तो मैं जाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ हाँ, वो उसके लिए कभी ना कभी तो कमरे से बाहर आ रही होगा, फिर हम उसे देख लेंगे। कालू को मेरे पास भेजो। कालू तो राम की गोली का शिकार हो गया था। रेशमा कहाँ? डैविड, आई विल मेक हिम पे फॉर दिस। मैं अपने एक आदमी का बदला लूंगा उसे। गोलियां चलानी तो आप ही ने शुरू की थी। तुम उसकी तरफ हो या मेरी? इंसाफ की तरफ हूँ भवानी राजा, मैं हमेशा इंसाफ ही की तरफ थी और रहूंगी। इंसाफ? तुम इंसाफ की तरफ हो? अब वो पुलिस सुपरिंटेंडेंट इंसाफ कर रहा है जो जो मेरे बेटे को पलंग से बांधकर उससे जबरदस्ती झूठा इल्जाम कहलाना चाहता है। इल्जाम सच्चा है या झूठा ये तो आपकी बेटी के अलावा और कोई नहीं जानता। मुझे मालूम है कि तुम रिकी से नफरत करती हो। मैंने ये बात छुपाई भी कब है? छुपा तो आप रहे हैं कि आप अपने बेटे से प्यार करते हैं जिसकी खातिर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। गलत, ये लड़ाई असूलों की लड़ाई है। सारा भवानी जंक्शन जानता है कि राजा भवानी प्रताप के होते हुए कभी किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं हो सकती। अब भी नहीं होगी। तुम उस राम को समझाओ कि बेकार की जिद छोड़ दे। मैं उसे मानना नहीं चाहता, लेकिन वो यहां से जिंदा वापस तब जाएगा जब वो मेरे रिकी को सही सलामत मुझे दे देगा। हाँ रेशमा, उसे समझाओ कि अगर वो इंसाफ चाहता है तो। उफ, एक मिनट के लिए आप ये असूल, ईमान और इंसाफ भूल क्यों नहीं जाते? अरे गाय अपने बछड़े के लिए शेर से लग जाती है, असूल के लिए नहीं, अपने प्यार के लिए। आपसे तो वो जानवर अच्छे जो दिमाग से नहीं दिल से काम करते हैं। अफसोस,
अफसोस भवानी राजा, आदमी तो आप ठीक से बन नहीं सके और भगवान बन बैठे जनता के लिए। रेशमा, मैं इस वक्त बहस करने या भाषण सुनने के मूड में नहीं हूँ, समझी तुम? जी हाँ समझ गई। हमेशा आपकी अपनी इच्छा ही पहली होती है, आपकी पसंद, आपकी मर्जी, आपका हुक्म, दूसरों को तो सिर सर झुकाकर मानना होता है, तो मैं भी वही करती हूँ। चला मत दीजिएगा प्लीज। फिलहाल और कोई मेरी इजाजत के बिना ऊपर नहीं आ सकता है। सिगरेट? नो थैंक्स। रेशमा, मुझे सिगरेट देना। आपको क्या लगता है ये बाजी आपकी बन जाएगी? लगता ही नहीं मिस रेशमा, ये बाजी मेरे बनकर ही रहेगी यकीनन। वैसे सड़क पर लोग कह रहे हैं कि आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। फिलहाल मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए ना, मेरी वजह से आपका सारा घर का घर टूट गया। जो टूटा है मिस्टर राम वो फर्नीचर है, शीशा है, ईंट चुने की दीवारों का प्लास्टर है। घर तो मेरा कभी बना ही नहीं था, तो टूटेगा कहां से? आपने पूछा ही नहीं मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। बेवजह तो नहीं आई होंगी आप। ये बताने आई हूँ कि मेरे घर के पीछे एक दरवाजा है जो सीधा घाटी की तरफ खुलता है, जाते वक्त मैं उसका ताला खोलती जाऊंगी, आप मौका देकर वहाँ से निकल जाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ भवानी राजा को रिकी सही सलामत मिल जाएगा और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। अगर वाकई आप मेरी मदद करना चाहती हैं, मुझे एक चीज लाकर दे दीजिए। रेशमा, इस हरामजादी की कोई बात मत सुनना। रेशमा, क्या चाहिए आपको? मुझे एक स्टेन गन की जरूरत होगी। स्टेन गन? जी हाँ, जो काम मैं करना चाहता हूँ उसके लिए रिवॉल्वर काफी नहीं है। लेकिन मिस्टर डैम, ये नामुमकिन है। आई एम सॉरी। दैट्स ऑल राइट, थैंक यू। मैंने शायद आपसे जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, अगर आप चाहें तो आसानी से भाग निकल सकते हैं। क्या आपको लगता है मैं यहां से भाग कर जा सकता हूं? अगर आप मेरी बात मान लेते तो इंसानियत से मेरा भरोसा उठ जाता। मैं आपके लिए दुआ करूंगी, भगवान आपकी मदद करे। शुक्रिया। रिकी बाबा ने कुछ कहा तो नहीं? कहा, मुझसे एक सिगरेट मांगी थी, मैंने नहीं दी। क्या? क्या बात है मैडम, आपका तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूं। जोसेफ को सब मालूम है कि आप क्या सोच रहा है। आप ये सोच रहा है कि वो आदमी रिकी बाबा को ले जा सकेगा कि नहीं? कैसे ले जाएगा जोसेफ, कैसे, जबकि 50 बंदूकों की नालियां उस पर तनी है, सारा शहर उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए जमा है, उनमें से एक आदमी भी उसकी तरफ नहीं है। अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। उस कमरे से बाहर निकलते ही उसका जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। तरह के आवारा कुत्तों की मौत भी इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक नहीं हो सकती। एक बात जोसेफ का सुनेगा मैडम, रिकी बाबा झूठ बोलता है। उसने और उसका दोस्त ने एसपी का वाइफ का रेप और मर्डर किया होगा। कुंदन, thank you.
यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें साथ ले जाने। कहाँ? उस सुपरिंटेंडेंट के पास। वो साला तुम्हारा दोस्त बन गया ना। उस हरामी के पिल्ले ने मेरे पाँव में गोली ठोक दी है। तुम्हारा जख्म काफी बिगड़ गया है। चलो यहाँ से, सबसे पहले गोली निकालनी होगी। सबसे पहले तो मैं सारी गोलियां उस सुपरिंटेंडेंट के सीने में ठोकूंगा। इससे तो मैं बाद में निकलवाता रहूंगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इससे पहले कि जहर सारे जिस्म में फैल जाए, चलो मेरे साथ आओ। कुंदन, रेशमा जी के साथ? रिक्की को ऊपर वाले कमरे में बंद किया ना? हाँ। क्या समझता हूँ, रिक्की को अपने साथ ले जाएगा, मुझे भी अपने साथ ले जाएगा? कहाँ ना इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, इसकी जरूरत है थोड़ी अंदर डालने के लिए थोड़ी। अरे मर्द का बच्चा तो कमरे में छुप के क्यों बैठा है? नीचे। उसे 8 बजे के स्टीमर से जाना है, अब भी वक्त बाकी है। अरे मरने के लिए भी कोई वक्त देखना पड़ता है क्या? कौन मारेगा उसे, तुम? हाँ मैं मारूंगा। अरे उसे बाहर तो निकलने दो, अगर वो यूं ना निकला तो मैं उसे जबरदस्ती बाहर निकालूंगा। जबरदस्ती? जैसे उसकी बीवी के साथ की उसने। हाँ हाँ की। फिर मैं उस रिक्की की तरह डरपोक नहीं हूँ। साला डरता अपने बाप से, झूठ बोल गया कि हमने उसकी औरत को हाथ भी नहीं लगाया। अरे मैं बोलता हूँ लगाया, मजा किया, आखिर मर्द है हम। और तुम्हारे ख्याल से मर्द हमेशा औरत से बड़ा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। हिमांचंद, जानता हूँ राजा साहब, मैं एक गुनहगार को यहाँ से भगा रहा हूँ। इसकी सजा जो भी आप देंगे मैं सच झुका कर उसे कबूल करूँगा। चाहे उसकी सजा मौत ही क्यों ना हो। क्या? चाहे उसकी सजा मौत ही क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त कुंदन का भाग जाना ही मुनासिब था। झूठ बोल रहे हैं राजा साहब, सरासर नाइंसाफी और अधर्म की बात की है आपने, और इसे मुनासिब कह रहे हैं। तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी लड़की। टालो मत दीवानचंद, बात का जवाब दो। कुंदन के जुर्म कबूल करते ही रिकी बाबा का जुर्म खुद बहुत साबित हो जाता है राजा साहब, और ये बात इस वक्त बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मैंने तुमसे पहले कहा था दीवानचंद, इंसाफ की नजरों में राजा और रंग दोनों बराबर ही होते हैं। और मैंने भी यही जवाब दिया था राजा साहब कि सब बराबर तो भगवान की नजर में भी नहीं होते। बहरी जंक्शन की रेह को आप पर बहुत भरोसा है राजा साहब, वो आपको अपना भगवान समझती है और अच्छी तरह से जानती है कि आपके होते हुए कोई भी यहाँ की किसी चिड़िया का पर भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर आज कोई दूसरा आदमी आपके बेटे को यहाँ से उठाकर ले जाने में कामयाब हो गया तो जनता का विश्वास आप पर से उठ जाएगा। यानी सिर्फ जनता का विश्वास बचाए रखने के लिए आप उस बेकसूर आदमी को जान से मार देंगे? इतनी मामूली बात इसे मत समझो लड़की। जनता का विश्वास रखने के लिए तो भगवान राम ने भी सीता माता जैसी सती को जंगल में भेज दिया था, हालांकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो बिल्कुल बेकसूर। मौके की नजाकत को समझिए राजा साहब, ये सिर्फ आपके अपने बेटे के नहीं बल्कि सारे भवानी जंक्शन की हिफाजत का सवाल है। अगर लोगों का विश्वास आप पर से उठ गया तो आपके पुरखों का बसाया हुआ ये सोने का शहर बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस करो दीवानचंद, मुझे जरा सोचने दो। जहां तक मुझे याद पड़ता है आपके कोट की भीतरी जेब में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्तौल हुआ करती थी।
बदल यहाँ के देखो इस बदमाश ने मेरा क्या अपना रखा है पापा। इस पापा मैं बेकसूर हूँ पापा, अरे सबके सामने भवानी मां की कसम खाई पापा, बिल्कुल बेकसूर हूँ पापा। पापा मैंने दुर्गा मां की कसम खाई पापा, पापा मैंने दुर्गा मां की कसम खाई। मुझे पता चल गया राम कि तुम्हारा कसूरवार मेरा बेटा रिकी है। मैं जानता था भवानी राजा कि आखिर सच्चाई सामने आ ही जाएगी, और मुझे यह भी मालूम था कि अगर आपको असलियत का पता चल गया तो आप इंसाफ किए बगैर नहीं रहेंगे। आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी भवानी राजा, वरना मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि रिकी को मैं यहां से ले कैसे जा सकूंगा। तुम अब भी रिकी को अपने साथ नहीं ले जा सकोगे राम। भवानी राजा, अलबत्ता मैं तुम्हें हिफाजत से भवानी जंक्शन के बाहर छोड़कर जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं अपने आदमी को रोक भी लूं तो भी यहां की जनता तुम्हें जान से मार देगी। तो यूं कहिए भवानी राजा कि आप मेरी जान की रिश्वत देकर मुझसे अपने बेटे की जिंदगी का सौदा करने आए। तुम जो भी समझो, लेकिन इतनी बात पक्की है तुम रिकी को नहीं ले जा सकते। राम भी इस लड़ाई में मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं कि अब मेरे लिए वापस लौटना मुमकिन नहीं है। आपको और कुछ कहना है भवानी राजा? गौतम ऊपर जाओ। राम राम मेरी बात समझो। देखो रिकी के बिगड़ने में मुमकिन है कि कसूर मेरा ही हो, बिन मां के बच्चे को पालना इतना आसान नहीं। मैं जानता हूं भवानी राजा, बिन मां के बच्चे को पालना इतना आसान नहीं। और उस बच्चे की बात किस्मती का तो कहना है क्या, जिसका बाप इस दुनिया में ना रहे। आपने तो मुझे पहले ही मरा हुआ मान लिया भवानी राजा, जबकि मैं जिंदा हूं और इस वक्त आपके सामने खड़ा हूं। किस्मत को इतनी दूर तक मान खींचो, इस जून में तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। अब मैं क्यों ना आपको गोली मार दूं? मैं तुम्हारी जगह होता तो यकीनन यही करता, लेकिन मैं अपनी जगह खुद हूं भवानी राजा। ये लीजिए अपनी पिस्तौल और जाइए यहां से। ठहरिए भवानी राजा, एक बार आपने मेरी जान बचाई थी, आज मैंने आपकी जान बख्श दी और वो पुराना कर्ज भी अदा कर दिया। जा सकते हैं आप। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूं। राम ने जिंदगी के मुकाबले मौत को ही चुना है, अब तरीका जो भी तुम समझो। इसमें कोई मुश्किल नहीं रहता साहब, हमें उसकी सिर्फ छह गोलियां खत्म करवानी। इसमें चाहे हमारे छह आदमी मारे जाए, उसके बाद हम उसकी पोटी पोटी कर डालेंगे। Thank you.
सुनो जी मैडम, मेरे सर में बहुत दर्द है, जोसेफ से जरा गोली लेकर आना और पानी भी। ओके। हाँ और सुनो, पानी ठंडा नहीं गर्म लेकर आना, और ये गन है ना मेरे पास छोड़ दो, मैं यहीं हूँ, जल्दी आना। ए सुपरिटेंडेंट, तुम्हारा वक्त तो पूरा हो गया, जरा घड़ी देखो, 8:20 कम है। अरे भाई जरा अपनी भी चेक कर लो। 8 बजे की स्टीमर पकड़नी है तो तुम्हें, नहीं नहीं मेरा मतलब है कि हम दोनों को निकल पड़ना चाहिए। हाँ क्यों, क्या ख्याल है, या अब तरसा लग रहा है? बेहतर यही कि तुम ये बाप भूल जाओ, तुम मेरे बाप को जानते नहीं हो। तुम्हारे बाप को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह मैं जानता हूं। हाँ ये सही है कि तुम अपने बाप को नहीं जानते, और ना ही मुझे तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम मुझे यहां से लेके कैसे जाओगे, ये पलंग अपने सर पर उठा के? अंधे हुए आदमी पर हाथ उठाना शहाबत की बात नहीं। लो, शादी तुम्हारे इरादों को कामयाब करने के लिए तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन कुंदन फिर भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वो राजा भवानी के हाथों से भाग चुका है। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए दोबारा आऊंगा। रेशमा जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं। शुक्रिया, वैसे सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है। रेशमा यू बिच, हरामजादे मार मार के हरामजादे कहने को सुना मैंने। हेलो, एक ऐसा सा मेरी बातों से रामचंद छोड़ दो इसे। रेशमा जी, तुम राम को स्टैंड गन देने गई थी? मैंने उसके कामयाबी के लिए दुआ की है। तू दिलाओ जवान, मेरी हार के लिए उसे बचा लेना चाहती हो तुम? मैं इतनी घटिया औरत नहीं हूं भवानी राजा, फिर भी इतना जरूर कहूंगी कि 100 बार जीतकर आदमी उतना मुक्त नहीं होता जितना एक बार हार कर होता है। तुम हार का मतलब जानती हो? जानती हो सारे शहर की नजरों में मैं गिर जाऊंगा? खुद अपनी ही नजरों से गिर जाने के बाद आप किसी और की नजरों में उठकर क्या करेंगे? रेशमा, आज जो तुमने किया उसके लिए हमारी जंक्शन के राजा के हैसियत से मैं तुम्हें चौराहे पर खड़े करके गोली से मार सकता था, लेकिन लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें एक राजा की हैसियत से नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से कहना चाहता हूं कि जो कुछ मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया, तुमने कर दिखा, जिसके लिए मैं तुम्हारी कदर करता हूं, तुम्हारी इज्जत करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हां रेशमा, आज मुझे दुनिया की परवाह नहीं, खानदान खराना जात पात ऊंच नीच किसी चीज की परवाह नहीं, लोगों को जो कुछ कहना कह लें, अब मैं अपने सिद्धांतों और महानता के चक्कर में आकर तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। बोलो रेशमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं भवानी राजा, अब नहीं, अब मुझ में वो बात ही नहीं रही जो भीतर सुलगता था, वो प्यार का जज्बा, वो जो जोश था, उफान था, जो कभी से मैं आपके कदमों में रखना चाहती थी। जब वो ही मर चुका तो ये बुझा हुआ मन मैं आपको क्या दूंगी? छोड़िए भवानी राजा, मेरे प्यार की वो दहक, वो खुशबू तो कुर्बान हो गई आपके सिद्धांतों और ऊंचे आदर्शों पर। अब अगर बदले में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस उस सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले आदमी की जान बख्श दीजिए। मैं समझूंगी मेरी कुर्बानी काम आ गई। Thank you.
किसने मैडम के घर में आग लगाया? किस बेवकूफ ने काम किया है? आग बुझा, जल्दी करो। तुम आगे जाओ, आगे के रास्ते से कहीं राम लेख की बाबा को लेकर भाग ले जाए। और तुम क्या तुम जाकर देख रहे हो? आग छोड़ो, बुझाओ जाओ दीवान, बुझाओ जाओ, हो सके तो भवानी राजा बुझाओ जाओ। लेकिन कुछ फायदा नहीं भवानी राजा, क्योंकि वो सारा सुपरिंटेंडेंट तुम्हारी बेटे को लेके पोर्ट की तरफ भाग गया। तो ये आग तुमने लगाई है? हाँ भवानी राजा, हाँ ये आग मैंने लगाई है। भवानी राजा तुम हार गए, वो सारा रिक्की को लेके पोर्ट पे जाएगा ना। अब देखो मैं उसे कैसे तड़पा तड़पा के मारता हूँ। अब देख मैडम, आपका घर जल रहा है। चलने दो जोसेफ, उसकी किस्मत में खाक होना ही लिखा था। धमकी मेरी प्रतिज्ञा के बीच नहीं आएगी भवानी राजा। आए जरूर आए, मुझे धमकी देने की आदत नहीं है राम। तुम्हारे बेटे की जान की रिश्वत देके अपने बेटे की जिंदगी का सौदा करने को तैयार हूं। बोलो तुम्हें मंजूर है कि नहीं? समझ क्या रहे हो राम? नहीं भवानी राजा, मैं रिकी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। रही बात अनु की, उसे मैं किस्मत पर छोड़ता हूं। किस्मत? भवानी जंक्शन में हर शख्स की किस्मत का फैसला राजा भवानी प्रताप करता है, और इस वक्त तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी राम। अगर आप अनु की उम्र कम भी कर देंगे, रिकी की सजा कानून कभी भी कम नहीं करेगा। भवानी राजा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अरे मूर्ख, कानून के पन्ने हमने लिखे हैं, भवानी जंक्शन के जज भी हम हैं, यहां हमारे सिवा और कोई फैसला नहीं कर सकता। दीवान चंद तीन तक गिनेगा राम। अगर उस वक्त तक तुमने रिकी को मेरे हवाले नहीं किया तो Thank you.
तक जिंदा हूं, कोई आगे ना बढ़े। अनु को मार दूं क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है, और रिकी जो के गुनाहगार है, जुर्म किया है, उसे छोड़ दूं क्योंकि वो भवानी राजा का बेटा है। ये बात शायद एक पाप के मन में आ सकती थी, लेकिन राजा भवानी प्रताप के मन में कभी नहीं, कभी नहीं। ले जाओ राम, ले जाओ रिकी को, ले जाओ, इसे अपने जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। राम, मैं एक बाप बनकर जो नहीं कर सका वो तुम जरूर करना। अपने बेटे को रिकी मत बनाना। जाओ राम, जहाज का वक्त हो चुका है, मैं आखिरी वक्त सच्चाई को अलविदा कहना चाहता हूं। जाओ राम, जाओ। जिंदा वापस जा रहा है, ठीक है ना? कभी न डरता, कोई हो दुश्मन, कोई हो